हेलो, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट और थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट करंट। जो फोकस किया है वो डिस्प्लेसमेंट करंट पे फोकस किया है, और अभी हम जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। तो मैक्सवेल की इक्वेशन में जब हम एम्पियर्स लॉ को देखते हैं तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो लेक्चर है वो है। और यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि डू यू हैव सम आइडिया अबाउट टू दी अल्टरनेटिंग करंट, तो ऑब्वियसली है ये कि आप कहेंगे हाँ। और वो जो इमेज आपके माइंड में होगी वो एक वेव की फॉर्म में आपके माइंड में रहेगा, राइट। और अगर मैं कहूँ कि आपको डीसी करंट का आइडिया है, डू यू हैव सम आइडिया अबाउट टू दी डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट के केस में क्या होगा कि आप बोल देंगे कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगी। बट व्हेन आई आस्क टू यू अबाउट टू दी डिस्प्लेसमेंट करंट कि उसकी नेचर क्या है, वो आपको कैसे दिखाई पड़ेगी, उस केस में क्या जवाब होगा आपका? डू यू हैव सम आइडिया अबाउट टू दी डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसकी नेचर क्या है, किस तरीके से वो दिखाई पड़ेगी? ये आज का इस वीडियो का पार्ट रहेगा, राइट। और किस तरीके से जो है एम्पियर्स का लॉ है उसको मॉडिफाई किया, उसमें स्ट्रम को इंट्रोड्यूस किया, उसका रीजन क्या था, तो ये बात यहाँ मैं इस लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करूँगा। ट्राई करूँगा कि वो मैसेज आप तक कन्वे हो जाए। तो डायरेक्ट करंट का आइडिया आपको है कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपने इसकी वैल्यू फिक्स की तो वो उतनी ही रहेगी। तो यहाँ ये आपके ID, ये डायरेक्ट करंट DC है। लेकिन जब आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज आ जाता है कि सपोज किया ये एक फ्रेम है और उसमें ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ये इस तरीके से एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये आई नॉट मैक्सिमम और ये माइनस आई नॉट, लाइक दिस वन आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ एक्चुअली पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट का तो आइडिया है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट आपको कैसे दिखाई पड़ेगी, उसका अगर आपको फील करना है तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट को आप कैसे फील करेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट अस सी द पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये एम्पियर्स लॉ के साथ में एसोसिएट है। जब आप एम्पियर्स लॉ को देखते हैं तो ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स फार्मूला को आप देखते हैं एम्पियर्स लॉ के अंदर। तो ये क्या है एक्चुअली, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और जिसमें आई करंट का फ्लो हुआ है। तो जब इसमें करंट का फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और एक किसी एक पॉइंट पे इफ़ यू वॉन्ट टू सपोज फाइंड आउट ए मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, जिसका कि डिस्टेंस है ये कुछ भी आप बोल सकते हैं कि सपोज किया वो डिस्टेंस आर है ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस वायर, तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, राइट। तो अगर इसको फाइंड आउट करना है तब आप ये एम्पियर्स का लॉ यूज करते हैं। और इतने ही डिस्टेंस पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये यहाँ जो पॉइंट है दूसरी साइड में, तो उस पॉइंट P2 पे ये सपोज P1, ये P2, और इसका जो डिस्टेंस है वो सेम है, नॉट ऑलमोस्ट, वो सेम है। और ये फिर P3 पॉइंट है और P3 पॉइंट का भी जो डिस्टेंस है वो सेम है। इधर ये P4 पॉइंट हुआ लाइक दिस वन, तो ये भी डिस्टेंस सेम है। तो जब हम देखते हैं कि एट एवरी पॉइंट अराउंड दिस वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर इन सब पॉइंट को हम मिला दें तो आप देख रहे हैं कि एक क्लोज पाथ की फॉर्म आप ऑब्जर्व कर पाएंगे ये इस सर्कल, और इस सर्कल के एट एवरी पॉइंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो दैट पॉइंट इज टोटली डिफरेंट, बट हियर द मेन पॉइंट इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। ये जो बी पॉइंट है, बी का इस पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट जो होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ठीक है कि एम्पियर्स लॉ को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज किया, और यहाँ जो आई करंट है वो इनक्लोज है बाई दिस लूप, इस लूप के थ्रू ही ये करंट गया है, राइट।
तो ये करंट क्या है, ये लूप है और इसको अभी आप सर्कुलर फॉर्म में ही ऑब्जर्व करें, और इसके इनसाइड ये सेंटर पॉइंट से ये वायर गया है। तो अब ये जो वायर है इसके थ्रू जो आई करंट बह रहा है वो एक्चुअली एनक्लोज है बाय दिस लूप, सो दैट इज द पॉइंट और इस इक्वेशन का। जब इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा वो ये होगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू ये म्यू नॉट टाइम्स जे। और अगर आप मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ आप कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ चुके होंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी। तो यहाँ एक पॉइंट हम लोग उससे पहले कंसिडर करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका हम लोग डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो डाइवर्जेंस लेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स और ये डाइवर्जेंस ऑफ जे, इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल है और ये डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म होगी ये तो 0 हो जाएगी, और इधर म्यू नॉट एंड ये जो फैक्टर है डाइवर्जेंस ऑफ जे, ये दो टर्म बचेंगे आपके पास में। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि भाई म्यू नॉट तो 0 नहीं हो सकता है, राइट। तो सेकंड फैक्टर ये जो डाइवर्जेंस ऑफ जे है ये 0 हो सकता है, क्योंकि जो डाइवर्जेंस आप किसी वेक्टर फील्ड फंक्शन का लेंगे तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, राइट। तो म्यू 0 तो यहाँ पर 0 नहीं है, तो अब जो सेकंड टर्म बचा आपका वो ठीक है, ये तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो 0 होगा, राइट। तो अब जब डाइवर्जेंस ऑफ जे 0 होगा, इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दें इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में, तो जो डी रो अपॉन डी टी आप लिख रहे हैं तो वो इक्वल टू 0 होगा। अब ये 0 होगा तो रो क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, और ये अगर मैं एक सिंपल सवाल और पूछ लूँ आपसे कि ये डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, तो आप इसको कहेंगे कि ये करंट है, करंट को ऐसे डिफाइन करते हैं इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी -7 में लेकर के। तो क्यू अभी सिंगल चार्ज के लिए है, लेकिन अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास में वायर था करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसका कुछ वॉल्यूम है और इसके अंदर जो चार्ज की डेंसिटी है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से डिफाइन किया डी रो अपॉन डी टी से, तो उसका जो रेट होगा राइट वो 0 है, दैट मीन्स जो रो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि रो जो है वो कांस्टेंट है, देर इज नो चेंज इन टू दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू दी टाइम। तो अगर ऐसा है तो ये जो कंडीशन होगा, ये जो आपको कंडीशन मिला है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है, ये जो चार्ज है ये बिकॉज ऑफ दी डायरेक्ट करंट है, फॉर दी स्टेडी स्टेट करंट के लिए ये कंडीशन होगी, इन अनदर वर्ड्स यू कैन से, राइट। तो अब यहाँ ये अगर कंडीशन फुलफिल हुआ तो यहाँ तब कंक्लूजन ये आया कि जो एम्पियर्स का ये लॉ है इट इज वैलिड ओनली फॉर डायरेक्ट करंट, इट इज वैलिड फॉर डीसी। सो दिस वॉज द इनकन्सिस्टेंसी इन टू दी एम्पियर्स लॉ, एंड नाउ द क्वेश्चन वॉज दैट हाउ वन कैन इम्प्रूव इट। तो अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको अब क्या करना है, यहाँ ये तो आया कि भाई ये यहाँ कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, कि सपोज किया मुझको अल्टरनेटिंग करंट है, अगर वो यूज किया है तो तब मैं मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करूँगा और ये सब कुछ। या फिर एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि
कि इस तरीके से एक कैपेसिटर को यूज करते हैं, राइट। और यहाँ ये मैं एमीटर यूज कर लेता हूँ, और इस साइड में एक कोई सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ ये कोई की, और चाहे तो आप रियोस्टेट वगैरह यूज कर सकते हैं, और ना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। सो मैं अभी ये रियोस्टेट भी यूज कर लेता हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो ये की हुआ, ये सोर्स हुआ, ये रियोस्टेट हुआ RH, और इस तरीके से मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ सपोज किया, इन द फर्स्ट केस में क्या है कि मेरे पास में ये नहीं है, अल्टरनेटिंग सोर्स नहीं है, मेरे पास में क्या है, एक बैटरी है, प्लस माइनस ऐसे करके मैं इसको यहाँ जोड़ता हूँ। तो इस केस में ये कैपेसिटर है, राइट, और करंट कैसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो हुआ, तो राइट ये करंट ऐसे फ्लो हुआ। तो सपोज आई आस्क, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, और ये जो डिस्टेंस है वो आर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो एक क्लोज पाथ जो है आप ड्रा कर लेंगे ऐसे। अब इस क्लोज पाथ के थ्रू जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर पास हुआ है, ये करंट पास हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है एम्पियर्स का लॉ अप्लाई करके यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट द आइडिया, राइट। सो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे कि पहली पिक्चर में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ इस पिक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इससे किसी भी एक डिस्टेंस पी पे जो पॉइंट है उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हियर इन दिस सर्किट जो आप देख पा रहे हैं, इसमें करंट का फ्लो होगा, अगर डीसी है तो ऑब्वियस है कि यहाँ ये करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, ये पॉइंट मैं पहले मेंशन कर दूं, लेकिन इन जनरल अगर ये यहाँ मुझको करना है, इस साइड में अगर मैंने अभी रखा है तो ये गलत कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं अभी जब ये बोल चुका हूँ कि यहाँ पे डीसी रखा है, तो डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। तो सपोज किया करंट मेरे पास में यहाँ था, तो इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो बाई यूजिंग द सेम कंसेप्ट यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द सेकेंड पॉइंट कम्स अबाउट टू इट कि अगर ये सपोज किया आपको कहा जाए कि अब इस पॉइंट पर ये जो सेंटर है इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, यहाँ कहीं भी, राइट, तो इस पॉइंट पर जो है आपको ये पी टू पॉइंट है, इस पी टू पॉइंट का यहाँ इसके रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो आप कह सकते हैं कि सपोज किया आर टू है, और ये जो डिस्टेंस ये आर वन है, तो फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी टू। तो जब ये यहाँ से करंट ब्लॉक करता है ये जो कैपेसिटर है, तो इसके थ्रू करंट पास नहीं होगा, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, तो पी टू जो है वो जीरो हो जाएगा, पी टू पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी। तो अब क्या किया है बेसिकली, अब ये किया गया कि भाई इफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस डायरेक्ट करंट, अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यूज करें तो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट का जो है सोर्स यूज करते हैं, और इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में सपोज किया ये अगर प्लस है तो दूसरी जो प्लेट होगी वो माइनस की हो जाएगी, राइट, और फिर नेक्स्ट जो आएगा उसमें ये माइनस हो जाएगा और ये जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक बार इस तरफ को होगा और एक बार जो है वो इस तरफ को होगा। तो ये जो है विद रेस्पेक्ट टू जो आपका जो करंट का फ्लो है, सपोज किया करंट का फ्लो ये है वन साइकिल, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये टाइम के साथ में यहाँ करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हुआ है, तो ये यहाँ जो फील्ड डेवलप हुआ है इन बिटवीन दीज टू प्लेट, वो जो मैग्नेटिक जो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट।
सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, तो उस टाइम पे जो ये फील्ड होगा यहाँ पर कैसा होगा, वो होगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फेराडे के अंदर आपने किया था। फेराडे में क्या था कि एक्चुअली आपके पास में एक कॉयल है, राइट? और इस कॉयल के अगर सेंटर में अगर आप ऐसे एक मैग्नेट रखते हैं, ये नॉर्थ पोल है सपोज किया इस साइड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से पास होगा। अगर ये मैग्नेट को ऐसे ही फिक्स रखा तो ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप ये मैग्नेट को मूव करते हैं, कभी इस पॉइंट पर, कभी इस पॉइंट पर, कभी यहाँ, तो ये अब जो है ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है कि वो ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा इनसाइड दिस क्वायर, ये जो क्वायल है, राइट? तो इस क्वायल को अगर एमिटर या गैल्वेनोमीटर के साथ आप जोड़ते हैं तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेल नोन कंसेप्ट। तो यहाँ आपने देखा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली हियर वी कैन यूज दिस कंसेप्ट कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल प्रोड्यूस दी मैग्नेटिक फील्ड। गॉट दी आइडिया? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस दी ईएमएफ। सो सिमिलरली वी कैन से दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस दी मैग्नेटिक फील्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी सम क्वांटिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड दिस कैपेसिटर। तो एक किसी भी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। सो अब वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ एक सरफेस को ड्रा करना होगा। तो ये जो सरफेस होगा इस केस में आप ये ऐसे इसको ड्रा करेंगे, राइट? तो अब और उसके बाद में फिर इसको अगर क्लोज करना चाहे तो इस तरीके से ये करंट भी इनक्लोज हो जाएगी। अगर यहाँ तक लेकर जाएंगे इस सरफेस को, तो ये जो आप सरफेस यूज कर रहे हैं तो ये ऐसे सामने से ऐसे ओपन है और उसके नीचे ये इस तरीके से रखा हुआ है, बंद है। अगर कोई वायर जो है वो ऐसे है तो वो ऐसे यहाँ से बाहर की साइड को निकलेगा, राइट? तो ये यहाँ करंट इनक्लोज हुआ है बाई दिस वन। सो नाउ वन कैन यूज बेसिकली दी एम्पियर्स लॉ एट दिस पॉइंट। लेकिन सवाल ये आएगा कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर जो हम लोग यहाँ पर ये जो डिस्प्ले जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी उसके थ्रू कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी नेचर कैसी होगी, राइट? तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर देखना है सबसे पहले तो, और बिकॉज ऑफ दैट फिर वो हम लोग एम्पियर्स के लॉ में जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, राइट? सो आई होप यू पीपल हैड गॉट दिस पॉइंट जो मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ या जो इन पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है अगर हमको यहाँ पे मिल जाएगी तो हम उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे इस कंसेप्ट के अंदर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, म्यू नोट आई प्लस ये आ जाएगा आई डी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो फार्मूला इस वे में आ जाएगा और जो एम्पियर्स का डिफरेंशियल फॉर्म है उसमें ये आ जाएगा म्यू नोट टाइम्स जे प्लस जे डी, और इसको इस तरीके से ये ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, राइट? तो ये तो पॉइंट तब है जब हम लोगों को यहाँ इस कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। इट मीन्स कि एम्पियर्स लॉ इज वैलिड नॉट ओनली फॉर दी डीसी करंट बट फॉर दी अल्टरनेटिंग करंट आल्सो। बट व्हेन वी आर यूजिंग दी अल्टरनेटिंग करंट दैट टाइम वी आर गेटिंग हियर वन मोर कंसेप्ट एंड दैट इज नोन एज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड जिसको कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है बाद में बाय यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ जो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको यूज करके जो डिस्प्लेसमेंट करंट है,
उसको डिफाइन करना है, राइट। तो उसको हम डिफाइन करेंगे, तो उसको सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो एम्पियर्स लॉ है मॉडिफाइड, वो इस फॉर्म में है। और इस फॉर्म में अगर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे प्लस जी डी। तो वी बेसिकली आर वी हैव एज्यूम कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, या फिर जैसे कि इंटीग्रल फॉर्म में करंट था तो वहां पे लिख देंगे कि ये करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ये इक्वेशन लिखा, तो इस इक्वेशन के बाद में जो हम लिखेंगे, तो ये हम लोगों की सपोज किया फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहां अब हम लिखेंगे टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। और जब डाइवर्जेंस लेंगे ऑफ दिस इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा डेल ऑपरेटर डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, और ये म्यू नॉट टाइम्स और डेल ऑपरेटर डॉट जे प्लस डेल ऑपरेटर जे डी इस वे में, राइट। यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल आया, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑलवेज इक्वल टू जीरो, राइट। डाइवर्जेंस इसको आप एनालिटिकली फॉर्म में भी देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज इक्वल टू जीरो, ये वर्ड की फॉर्म में लिख देते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये मैं इसको जीरो के इक्वल लिखता हूँ, राइट। तो यहाँ ये आ जाएगा जीरो। सो राइट हैंड साइड में अब जो टर्म बचेगा वो क्या टर्म बचेगा, वो उसमें एक म्यू नॉट बचेगा और एक ये फैक्टर बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। म्यू नॉट जीरो नहीं हो सकता, म्यू नॉट जो है वो जीरो नहीं है, तो इसलिए जो फैक्टर है वहाँ आप देख पाएंगे कि डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी, ये टर्म जीरो हो जाएगी। और अगर ये टर्म जीरो होगी तो आप इसको लिख सकते हैं कि डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे, राइट। तो अब यहाँ हम लोगों को जे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअली, कि वो नेचर कैसा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो फॉर दैट इट इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे। तो अब अगर आप इसको देखते हैं डेल डॉट जे, ये टर्म इससे पहले कहाँ आई है, ये आया है आपका कंटिन्यूटी जो इक्वेशन है वहाँ पे ये टर्म आई है, तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे, तो उसमें डेल डॉट जे इज इक्वल टू वी नो इक्वल टू रो डी रो अपॉन डी टी के इक्वल है, डेल डॉट जे इक्वल टू डी रो अपॉन डी टी, ऐसा ही ये फार्मूला हम लोगों को पता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, और ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रो की वैल्यू डिफाइन कर देंगे, और रो इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो डेल ऑपरेटर एप्सिलॉन नॉट और ये ई होगा, राइट। तो आप एप्सिलॉन नॉट को बाहर भी रख सकते हैं और ई के साथ में भी रख सकते हैं, तो ये तब ये डी हो जाएगा, राइट। तो अभी ये पॉइंट एंड देन आफ्टर ये रो की जो वैल्यू है ये हमको यहाँ पे पुट करनी है कंटिन्यूटी इक्वेशन में, तो ये जो फॉर्म हो जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू डेल ये डी अपॉन डी टी, और रो की जो वैल्यू आई अभी वो डाइवर्जेंस और ये एप्सिलॉन नॉट और ये कैपिटल ई, इस फॉर्म में आया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंजिंग दी टर्म बोलते हैं, तो यहाँ ऐसा मैं लिख सकता हूँ री अरेंज दी टर्म, सो दिस बिकम्स
डेल ऑपरेटर डॉट एप्साइलन नॉट, इसको बाहर ले सकते हैं, एन डी ई अपॉन डी टी। सो बाय दिस वे यू कैन सी कि जो डाइवर्जेंस ऑफ जे है उसकी वैल्यू हमको यहाँ इस जगह पुट करनी है, राइट? तो इस जगह जब हम पुट करेंगे तो ये डेल डॉट जे डी जो होगा दिस विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा यहाँ ट्राई करते हैं मैनेज करने का कि ये यहाँ पे आ जाए, और तो डेल डॉट जे डी जो होगा डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू माइनस, और ये जो टर्म आया है ठीक है, ये डेल डॉट जगह जे की जगह आया है, तो डेल डॉट माइनस डेल डॉट प्लस जे डी और इक्वल टू माइनस वन, और डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस, ये टर्म मिस हुआ है यहाँ, डी रो अपॉन डी टी होगा। तो जब माइनस डी रो अपॉन डी टी हम लिखेंगे तो राइट, ये माइनस डेल डॉट जे है, और डेल डॉट जे की जगह जब हम माइनस डेल रो अपॉन डी टी रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट? तो यहाँ ये माइनस साइन नहीं आएगा, राइट? तो इसको करेक्ट कर दिया है, तो यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, ये डेल और डॉट एप्साइलन नॉट डी ई और ये डी टी, राइट? तो अब ये जो वैल्यू डेल डॉट जी डी की है ये हम कहाँ रखेंगे, ये वैल्यू हम रखेंगे इस यहाँ म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी, डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल डॉट एप्साइलन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो अब ये दो साइड आप जो देख पा रहे हैं इसमें डाइवर्जेंस ऑफ जे डी है और डाइवर्जेंस ऑफ ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का है। जब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग बोथ साइड तो जे डी जो आएगा जे डी हो जाएगा इक्वल टू एप्साइलन नॉट डी ई अपॉन डी टी। तो जब यहाँ अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप जे डी की, तो जो राइट हैंड साइड है तो वो किस फॉर्म में आप लिखेंगे, डेल क्रॉस बी, अब जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है उसको कैसे लिखते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे प्लस म्यू नॉट टाइम्स एप्साइलन नॉट, ये जो वैल्यू है डी ई अपॉन डी टी। तो अब ये जो सेकंड टर्म है एक्चुअली ये जो सेकंड टर्म है ये ही डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्म है, राइट? यहाँ तक आपका नॉर्मल करंट है, और ये जो पार्ट आया ये जो सेकंड पार्ट आया ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन आया, ये जो आपने यहाँ अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया था और यहाँ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेचर आई वो किस वे में है, ये डी ई अपॉन डी टी, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो दो कॉन्स्टेंट इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, राइट? सो डी ई अपॉन डी टी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट जो है यहाँ पर रोल प्ले करता है, राइट? अब अगर आप इसको एम्पियर्स की ला की फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पर डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे जे प्लस जे डी आएगा, और मैंने जैसे भी बोल चुका था कि एम्पियर्स का ला किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो हुआ इन टर्म्स ऑफ जे डी, तो आई डी की फॉर्म में भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस वे में जब लिखते हैं तो यहाँ से ये टर्म हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी नेचर क्या है और वो किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाउ वन कैन आइडेंटिफाई और फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ सपोज वन इज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैपेसिटर, सो इट इज ईजी टू फाइंड आउट द वैल्यू, राइट, बाई यूजिंग दी एम्पियर्स ला। तो वो ये है, लेकिन वहाँ कंसेप्ट जो होगा ना तो अल्टरनेटिंग करंट का होगा ना डायरेक्ट करंट का होगा, देर इज नो करंट, देर इज अ वर्चुअल करंट विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट,
और डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर अभी आपने देखा कि वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रोल प्ले करता है, राइट। सो ये जो टाइम यहाँ जो ये एक सेकेंड पार्ट है, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर इस कंसेप्ट का कंट्रीब्यूशन है, राइट, जो कि अभी आपने ऑब्जर्व किया। तो ये फार्मूला जो है नोन एज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, एंड इट इज वैलिड फॉर बोथ दी केसेस, राइट। तो आप चाहे यहाँ पे एसी करंट अप्लाई करें, चाहे डीसी करंट अप्लाई करें, अगर डीसी करेंगे तो ये टर्म तो यूज नहीं होगा, राइट, तब ये सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा, और राइट, क्योंकि वहाँ पर जो डीसी को ब्लॉक करता है कैपेसिटर। और अगर आप अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं तो फिर आप इनसाइड दी ये कैपेसिटर की जो टू प्लेट्स हैं उनके बीच भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग दिस टर्म। और ये म्यू नॉट जे, ये कहीं भी सर्किट पे कोई भी पॉइंट आप चाहे ये कंसिडर करें, चाहे इस पॉइंट पे यहाँ इतने डिस्टेंस पे कवर कर सकते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल है किसी भी पॉइंट पे। तो जो फर्स्ट टर्म का कंट्रीब्यूशन होगा वो इस पे में होगा। तो अब ये जो पार्ट रहा, ये आप जो देख पा रहे हैं एप्साइलन नॉट ई म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डी ई अपॉन डी टी, ये जो पार्ट है, ये जो इसका सेकंड पार्ट है एम्पियर्स लॉ का, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। राइट, तो इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर जो है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में है। तो जहां भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखते हैं, राइट, वहां पर जो है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस दी मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो दिस वाज लिटिल अबाउट टू दी डिस्प्लेसमेंट करंट और उसके साथ में जो आइडिया अटैच था। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि इट वाज नॉट एक्सप्लेन क्लियरली और कहीं कंफ्यूजन था, या किस तरीके से इसको डिफाइन किया, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ उस पॉइंट को बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और किस वे में आपने स्टडी किया था और किस वे में यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, तो क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। और यहाँ अगर मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया है तो वो किस वे में आपने उसको कैच किया। तो कोई भी पॉइंट, मतलब मेरा ये है कि कोई भी पॉइंट जो आपको लगता है कि यहाँ से आपने इसको चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, और कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो उसको भी बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम इन वॉचिंग दिस वीडियो, कीप इन टच।